Hello everyone, welcome to my channel SST with Amita. In previous lecture we discussed about soil and its classification. And today our topic is soil erosion and conservation. Firstly we will discuss about soil erosion. What is soil erosion? The denudation of the soil cover and subsequent washing down of soil is described as soil erosion. Denudation means topsoil. जब topsoil खराब हो जाती है या remove हो जाती है पानी हवा की वजह से तब इसे बोलते हैं denudation. Means soil की top layer disintegrate होती है और wind और water के pressure से इसकी fertility remove हो जाती है तो उसे soil erosion कहते हैं. Now we will discuss about the causes of soil erosion. इसके कौन कौन से कारण हैं, इसके जो main रीजन्स हैं वो है ओवरग्रेजिंग, माइनिंग एक्टिविटीज, डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड एंड नेचुरल फैक्टर्स लाइक विंड एंड वाटर. फर्स्ट इज ओवरग्रेजिंग. ओवरग्रेजिंग में जो टॉप सॉइल होती है वो डिग्रेड हो जाती है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज की वजह से, जैसे रोड, उसमें भी सॉइल डिग्रेड होती है. नेक्स्ट इज माइनिंग एक्टिविटीज. जो इम्प्रॉपर माइनिंग होती है, ओपन पिट्स छोड़ दिए जाते हैं जिससे जमीन कमजोर हो जाती है और लैंडस्लाइड शुरू हो जाते हैं. नेक्स्ट इज डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड, सच एज ओवर इरीगेशन. मीन्स अगर हम एक्सेसिव अमाउंट में पानी को रिलीज करते हैं इरीगेशन के लिए तो उससे टॉप सॉइल की फर्टिलिटी रिमूव होनी शुरू हो जाती है. एक्सेसिव केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स यूज करना भी एक डिफेक्टिव फार्मिंग मेथड ही है. लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग ही रिस्पॉन्सिबल है सॉइल इरोजन के लिए, क्योंकि जितने फैक्टर्स हमने अभी तक पढ़े ये सब ह्यूमन बीइंग के थ्रू हैं. नेचुरल फैक्टर्स भी हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं सॉइल इरोजन के लिए, जैसे कि विंड, वाटर. ऑन द मूवमेंट ऑफ विंड, वाटर एंड सॉइल इज इरोडेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. फॉर एग्जांपल ओवर इरीगेशन. अब ओवर इरीगेशन में एजेंट कौन है? वाटर. वाटर की वजह से सॉइल इरोजन हो रहा है, तो इस तरह से सॉइल इरोजन के लिए कुछ नेचुरल फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं. नाउ वी डिस्कस अबाउट टू थ्री टर्म्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर. दीज टर्म्स आर गलीस, रवाइंस एंड शीट इरोजन. फर्स्ट इज गलीस. गलीस आर डीप चैनल्स डेवलप्ड इन क्ले सॉइल ड्यू टू रनिंग वाटर. बहते हुए पानी के कारण जो डीप चैनल्स बन जाते हैं उन्हें गलीस कहते हैं. जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं किस तरह से डीप चैनल्स बने हुए हैं. नेक्स्ट टर्म इज रवाइंस. दीज आर द बैड लैंड्स इन द चंबल रीजन, जो कि मध्य प्रदेश में है. बैड लैंड का मतलब है जो जमीन कल्टीवेशन के लिए अनफिट हो, मतलब हम वहाँ पर एग्रीकल्चर नहीं कर सकते. चंबल रीजन मध्य प्रदेश में लोकेटेड है. वहाँ से जो रिवर्स निकलती हैं वो गलीज क्रिएट करती हैं, जिसकी वजह से वहाँ की सॉइल फर्टाइल नहीं रहती और इस तरह वो अनफिट होती है कल्टीवेशन के लिए. And this area converted into badland. Next term is sheet erosion. Means washing off of top soil. यानी कि मिट्टी की जो ऊपर की सतह है, जो fertile soil है, उसका remove हो जाना. Top layer soil की जब बह जाती है तो उसे sheet erosion कहा जाता है. Now our next topic is soil conservation. अभी हमने पढ़ा soil erosion क्या होता है, कैसे होता है. अब हम पढ़ेंगे सॉइल कंजर्वेशन, यानी कि हम मिट्टी को कंजर्व कैसे कर सकते हैं, उसको रिमूव होने से कैसे बचा सकते हैं. देर आर मैनी मैथड्स. तो इसके बहुत सारे मैथड्स हैं कंजर्वेशन के लिए. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे काउंटर प्लोइंग को. काउंटर प्लोइंग हिली एरियाज में सॉइल को इरोड होने से बचाने के लिए यूज की जाती है. प्लोइंग अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द स्लोप. स्लोप के अगेंस्ट प्लोइंग की जाती है, खेती की जाती है, जिससे पानी का जो फ्लो है उसके साथ मिट्टी की जो फर्टिलिटी बह जाती थी वो अब नहीं होगी. नेक्स्ट है टेरेस फार्मिंग. दिस इज ऑल्सो डन इन हिली एरियाज. ये भी हिली एरियाज में ही होती है. वी कैन ऑल्सो से इट सीढ़ी नुमा खेत. जैसे स्टेप्स बने होते, सीढ़ियां बनी होती हैं, उसी तरह के स्टेप्स बने होते हैं यहाँ पर भी. जैसे लैडर में ब्रॉड स्टेप्स बनाकर हिल्स पर खेती करने से सॉइल इरोजन को रोका जा सकता है. नेक्स्ट इज स्ट्रिप फार्मिंग. मान लो एक ओपन फील्ड है, वहाँ पर हवा का और पानी से बहुत ज़्यादा इरोजन होता है,
तो इसको रोकने के लिए स्ट्रिप्स बनाई जाती हैं, स्ट्रिप्स होते हैं ना जैसे पट्टियाँ लगाई जाती हैं, चाहे ग्रास लगाकर चाहे स्टोन्स रख कर, जिससे अगर तेज़ हवा चले या तेज़ बारिश हो तो ये ऑब्स्टेकल का काम करते हैं, रुकावट का काम करते हैं और मिट्टी को इरोड नहीं होने देते। नेक्स्ट इज़ शेल्टर बेल्ट्स। इन शेल्टर बेल्ट्स वी प्लांटिंग ट्रीज ऑन द बॉर्डर ऑफ फार्म लैंड। हमारा अगर एक फार्म लैंड है वहाँ पर हम कुछ भी प्लांटिंग कर रहे हैं तो उसके चारों तरफ बॉर्डर के रूप में हम पेड़ लगा देंगे, और ये जो पेड़ हैं, ये जो ट्रीज़ हैं, ये रिड्यूस कर देते हैं हवा के प्रेशर को, जिस अगर तेज़ हवा चलती है तो मिट्टी को अपने साथ उड़ा के ले जाती है, लेकिन अगर चारों तरफ पेड़ होंगे तो वो उसके प्रेशर को कम कर देंगे, जिससे कि मिट्टी तेज़ी से इरोड नहीं हो सकती, एंड इस तरह से सॉइल को कंजर्व किया जा सकता है। नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू लाइक इट।